नमस्कार किसान भाइयों, द कृषि चौपाल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से सरसों के मंडी भाव में लगातार गिरावट आ रही है, जिसके कारण जिन किसान भाइयों ने सरसों को रोक कर रखा हुआ है, उनके मन में बार बार एक ही सवाल आ रहा है कि क्या सरसों को अभी बेच दें या रुक कर बेचें, क्योंकि जिस तरह से सरसों के भाव धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, उसे देखते हुए मन में यह सवाल आना स्वाभाविक है। इसी को देखते हुए आज इस वीडियो में हम आपको सरसों के मंडी भाव से जुड़ी ताज़ा अपडेट बताएंगे, साथ ही आपको बताएंगे कि इस समय बाजार में सरसों की क्या स्थिति चल रही है। बाजार मांग को देखते हुए इस समय और आने वाले दिनों में सरसों के मंडी भाव कम हो सकते हैं या फिर इसके भाव में तेजी आ सकती है, इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें और वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल ज़रूर बढ़ाएँ। राजस्थान और हरियाणा के बहुत से किसान भाई कमेंट करके अपनी मंडी के सरसों के भावों की जानकारी पूछ रहे हैं। यदि आप भी अपनी मंडी के सरसों के भावों की ताज़ा जानकारी जानना चाहते हैं तो आप अपनी मंडी का नाम हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम उसी अनुसार आपके लिए जानकारी लेकर आ सकें। यदि आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के घंटी के निशान को भी दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी। किसान भाइयों, सबसे पहले आपको बताएंगे कि बाजार में इस समय सरसों की क्या स्थिति चल रही है और आने वाले 8-10 दिन तक इसके भाव में कितना उतार चढ़ाव आ सकता है। इसके बाद आपको बताएंगे कि जून और जुलाई में सरसों के भाव में क्या रुख रहने की संभावना है, क्या जून और जुलाई में सरसों के भाव में तेजी आने की संभावना है या नहीं, क्योंकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार द्वारा खाद्य तेलों के आयात पर लगाए जाने वाले टैक्स को कम करने की बात सामने आई है, जिसका असर सरसों के तेल की कीमतों पर पड़ेगा और घरेलू बाजार में अन्य खाद्य तेल सस्ता होने के कारण सरसों के तेल की कीमतों पर भी इसका असर पड़ेगा, जिसका असर सरसों के मंडी भावों पर भी पड़ेगा। यदि सरकार द्वारा आयात टैक्स को कम किया जाता है तो नहीं तो दूसरा कोई कारण सामने नहीं आ रहा है जिसके कारण सरसों की कीमतों में कमी आए, क्योंकि वायदा कारोबार में भी सरसों के भावों में पिछले दिनों के मुकाबले तेजी आई है। यदि जून और जुलाई में सरसों के भावों का विश्लेषण करें तो जून और जुलाई में सरसों के भावों में वापस हल्की तेजी आने की संभावना है। जून महीने के सरसों के वायदा कारोबार की बात करें तो जून में सरसों के न्यूनतम भाव 6,981 रुपये प्रति क्विंटल तथा अधिकतम भाव 7,134 रुपये प्रति क्विंटल तक रहने की संभावना है, तथा 7,102 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर खुलने और 7,152 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर बंद होने की उम्मीद देखी जा रही है। और अब यदि जुलाई में सरसों के वायदा कारोबार पर नज़र डालें तो जुलाई में न्यूनतम भाव 6,952 रुपये प्रति क्विंटल तथा अधिकतम भाव 7,133 रुपये प्रति क्विंटल रहने की उम्मीद है, और 7,120 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर खुलने और 7,149 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर बंद होने की संभावना देखी जा रही है। इस प्रकार यदि देखा जाए तो जून और जुलाई में सरसों के भाव स्थिर रहने या हल्की तेजी आने की संभावना है, इसलिए सरसों की बाजार स्थिति को देखते हुए जिन किसान भाइयों ने अभी तक सरसों नहीं बेची है, उन्हें हमारी राय है कि यदि आप सरसों को बेचने का विचार कर रहे हैं तो आप सरसों को बेच सकते हैं, क्योंकि जुलाई तक सरसों को रोक कर रखना ठीक नहीं है। इतने ज़्यादा दिन तक सरसों को रोकने से सरसों के वजन और तेल की मात्रा में गिरावट आने की संभावना के कारण सरसों का अधिकतम भाव मिलने में परेशानी होगी। तो किसान भाइयों, जल्द ही मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक देखते रहें द कृषि चौपाल। जय हिंद, जय किसान।